हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है कि इफ़ अ सेट, एक आपके पास सेट है जिसमें एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, आपके पास दिया है कितना है कार्डिनल नंबर जो ए में वो कितना है, 3 है, और सेट बी में आपके पास एलिमेंट है एन ऑफ बी, आपके पास कितना है गाइस, 6 है। पूछा है देन व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, आपसे पूछा है एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा मिनिमम। तो गाइस हम फार्मूला जानते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है क्या, एन ऑफ ए, ठीक है गाइज, एन ऑफ बी, और यहाँ पर होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक गाइज। अच्छा अब इसे मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है, ध्यान देना गाइज, ये देखो आपका ए कितना है, फिक्स हो गया, बी भी आपके पास 6 हो गया, अब आपके पास इंटरसेक्शन है, ठीक है गाइज। अगर मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है तो जो घटाने वाली क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा ए और बी के इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो ए में कितना है, 3 है, बी में कितना है, 6, अगर ए का बी का 6 का 6 ए से मिल जाए तो ए में 6 है ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं कि बी का पूरा पूरा एलिमेंट ए में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मैक्सिमम कैसे हो सकता है, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर हो जाए, मतलब इंटरसेक्शन जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है। गाइस देखो ध्यान से, अगर आपको ए यूनियन बी मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कब आएगा, जब इसमें जो भी घटने वाली क्वांटिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट हमने इमेजिन किया कि ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हमें दिखा क्या कि ए और बी में मैक्सिमम कामन कितना आ सकता है, 3 कामन आ सकता है, तो 3 से हमने 3 काट दिया वैल्यू रख के, और हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा, 6। तो गाइज हमारा आंसर कितना होगा, 6।